बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, बेटा बीएससी थर्ड ईयर में, ध्यान रख लेना मेरी बात को, बीएससी थर्ड ईयर में है और यहाँ बॉटनी का थर्ड पेपर लेके आए हैं। बॉटनी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैंने पहले से अपलोड कर रखा है और ये थर्ड पेपर है बेटा। तो आपने, अब देखो ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी की आल यूनिवर्सिटी से, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सिलेबस सभी का एक जैसा है, बस आगे पीछे यूनिट को कर रखा है। और आपको पता है कि जितने पेपर अभी यूनिवर्सिटी पूछ रही है, पूछने का तरीका सिर्फ चेंज हो सकता है, क्वेश्चन वही आते हैं, ठीक है ना। कोई वहां देता है समझाइए और कोई कह देता है उसका वर्णन करिए और कोई कह देता है ये क्या है, बस फर्क तो यही है ना। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है एग्जामर का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, आंसर लिखोगे वो भी वही होगा यार। तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप paperhacker.in वेबसाइट पर जाएंगे, गूगल पर सर्च कर लीजिए paperhacker.in, वहां आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहां देखिए, यहां कह रहा है खनिज संसाधन क्या होता है। बेटा खनिज संसाधन की यदि बात की जाए, खनिज संसाधन क्या है वो आप देखिए, संरक्षण कैसे करेंगे, खनिज संसाधन क्या होता है, इस तरीके से आपको पूछेगा। किसी यूनिवर्सिटी में यही पूछ लेता है भाई खनिज संसाधन का वर्णन करो, और किसी यूनिवर्सिटी में पूछेगा खनिज संसाधन को समझाइए, यार बात तो वही है, आंसर वही है, समझ रहे ना। और वही आपसे पूछ लेगा कि खनिज संसाधन क्या है, क्या है समझाइए समझ रहे ना। या ऐसे को खनिज संसाधन का वर्णन करो, खनिज संसाधन की व्याख्या करो, अब क्वेश्चन का आंसर तो वही लिखोगे, कोई अलग से ले आओगे मुझे बता दो यार, क्वेश्चन तो वही है, बस ये ध्यान रखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, नहीं उसका आंसर चेंज होगा, समझ रहे हैं। बस आपका समझने का नतीजा एक होना चाहिए, तरीका एक होना चाहिए, वो समझो। ये क्वेश्चन याद करेंगे, मृदा अपरदन क्या होता है, कारक संरक्षण के बारे में। अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। आपने देखा होगा जब नदी में बहुत तेज पानी बहता है, समझ रहे ना, बहुत तेज पानी बहता है तो एक जगह की जो मिट्टी होती है वो कट कट के पता नहीं कहां कहां चली जाती है, समझ रहे हैं, एक स्थान पर उस स्थान पर चली जाती है, बहुत बह के चली जाती है। कभी कभी क्या होता है, कैसे कि मृदा क्या होती है, मृदा मतलब सॉइल, क्या होता है बेटा हवा चलती है बहुत तेज, तो रेता जो होता है तुमने देखा होगा सड़कों पर उड़ के, एक स्थान यहां था वहां पहुंच गया, समझ रहे हैं ना, उड़ के, तो वो चीज होती है, ये सब अपरदन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वायु के भी द्वारा अपरदन होता है, पानी के भी द्वारा होता है, तो ये चीज आपको देखना है, ठीक है। और जीव जंतुओं के द्वारा भी हो जाता है, कैसे यार, हम लोग कभी कभी मिट्टी को यहां से उठाकर वहां रख देते हैं, नहीं रख देते, बताओ, हमारा अपना घर पाट ना होता तो वहां से खेत से मिट्टी उठा के लेके आते हैं, तो अपरदन ही तो कहलाता। ये सब कुछ डिस्कस करना है, कारक संरक्षण, अच्छा संरक्षण कैसे करेंगे, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, भाई मिट्टी कट रही है, बताओ, संरक्षण के बारे में पूछ रखा है इसने, संरक्षण देखो, संरक्षण क्या है, मतलब मिट्टी कट के जा रही है यहां से वहां उड़ के जा रही है, तो क्या कर सकते हो यार, वहां पेड़ पौधे लगा दो नहीं कटेगी, समझ रहे ना, घास भूसा जमा दो तो हवा के द्वारा भी नहीं जाएगी यार, समझो, ये संरक्षण करने का है, ठीक है। पेड़ पौधों द्वारा मतलब नदी आ रही है, पानी बह कर घर से, तो क्या होगा भाई, वहां पेड़ पौधे लगा दोगे तो क्या करेंगे, पेड़ उसको रोक लेंगे, मट्टी को रोक लेंगे, भाई जाने नहीं देंगे, समझ रहे ना, पेड़ से टकराएगा पानी, निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा मिट्टी को कटाव नहीं होगा। तो वही तो पूछा गया यार, कुछ और थोड़ी है, ये क्वेश्चन बना बना के करने के होते हैं यार, ये घर से थोड़ी, अपने किताब से, बस एक बार पढ़िए, बस धड़ाधड़ मारिए, आंसर जो होगा देखा जाएगा, और आंसर सभी को नंबर पूरे मिलेंगे, बस तरीका सही होना चाहिए करने का, समझ रहे हैं। मृदा के प्रकार आप जानते हैं, आठ प्रकार की मृदा होती है, आठ प्रकार की मृदा के बारे में, जलोद मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, जो भी है सबके बारे में, उसका निर्माण कैसे होता है, भैया मृदा का निर्माण कैसे होता है, कोई बताएगा मुझे, मृदा का निर्माण कैसे होता है बताओ। जैविक विविधता किसे कहते हैं, जैविक विविधता किसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जो जीवों के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है, मान लीजिए एक कास्ट होती है, फिर दूसरी कास्ट होती है, तीसरी कास्ट होती है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम मान लो, तो मुसलमान क्या होते हैं, कैसे पहचान करोगे यार, वही तो वो ज्यादा मांस वगैरह खाते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज खाते हैं, तो वो ये क्या है, ये भिन्नता ही तो मानी जाएगी ना, भिन्नता है, तभी तो आप हिंदू मुस्लिम बोल सकते हो उसको, भाई गाय भाई क्या खाती है, घास खाती है मानते हैं, अब भाई शेर क्या खाता है, वो भी मांस खाता है, वो तो घास नहीं खाता ना, तो इसमें क्या पाई जा रही है, भिन्नता पाई जा रही है, यही तो विविधता बोला जाता है, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को जैविक विविधता बोलते हैं, तो ये चीज हमें याद करना है। यहां देखो ऊसर भूमि किसे कहते हैं, ऊसर भूमि जहां क्या होता है, ऊसर भंगर तो कहते हैं ना, वही भूमि के बाद सॉइल की बात करने वाले हैं। उसके बाद में यहां बोला है देखो मैदान, मैदान पेंस क्या होता है, इसको आप याद कर लेंगे, हो सके तो पढ़ लेना। प्राकृतिक या मानव निर्मित जल स्रोत कौन कौन से होते हैं, अब मैं आपको यहाँ थोड़े थोड़े क्वेश्चनों का सिंपल तरीके से आंसर बता रहा हूं। यहाँ कह रहा है जल संरक्षण कैसे करेंगे, देखो
और जल के गुण देख लेना, जल के गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संसाधन क्या होता है, एनर्जी ऊर्जा संसाधन को पढ़ेंगे। अब देखो प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत, जल स्रोत क्या होता है। प्राकृतिक का मतलब है झरना, नदियां, गंगा नदी है तो हमने थोड़ी बनाई है, जा बता दो इंसानों ने बनाई है, मानव ने बनाई है, नहीं ना मशीनों द्वारा बनी है, नहीं ये प्राकृतिक है यार, भगवान के समय की चली आ रही है गंगा यमुना, समझ रहे ना। तो ये क्या है, झरना जो होते हैं पहाड़ों से पानी झर रहा है, ये कि आदमी ने बनाया है, मानव द्वारा बना है, नहीं ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो खत्म करो, तो ये क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक जल स्रोत कहलाते हैं। मानव निर्मित जल स्रोत कौन से होते हैं, मानव द्वारा क्या क्या बनाई जा रही है भैया, छोटी छोटी नहरें बनाई जा रही हैं पानी सिंचाई करने के लिए। गांव तुमने नहरें देखी होंगी छोटी छोटी पतली पतली, उन नहरों से छोटे छोटे बंबा निकाले जा रहे हैं इधर उधर को, छोटे छोटे नहरें, छोटे छोटे इतने टाइप के पानी सिंचाई करने के लिए। तो ये जो मानव निर्मित कह सकते हैं, कुआं है वो मानव बना सकता है, मानव निर्मित है भाई, कह सकते हैं वहां से जल निकाल सकता है वो। अब वहीं देखो क्या जो नलकूप होते हैं, नल पानी चलाते हैं अपने लोग, ये मानव निर्मित जल स्रोत हो सकता है। तो ये चीज हमें तो एक्सप्लेन करना था यार, कुछ और थोड़ी है, बना बना के करो यार, बना बना के करो। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बही सिंपल है। अब जल के गुण क्या क्या हो सकते हैं बताओ, जल से हमें क्या एनर्जी वगैरह जो भी मिलता है वो यहाँ गुण बताना है, जल के गुण प्रॉपर्टीज क्या है वो आपको बताना है, इसका रासायनिक सूत्र लिख देना H2O, बस यार ये एक पॉइंट बनेगा, समझ रहे ना, वो करके आना है भाई। देखिए पादप रोगों का वर्गीकरण, पादप में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, प्लांट में रोग कौन कौन से हो जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं पादप रोगों के लिए, तो वो आपको यहां देखिए, यहां कह रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। यहां कह रहा है वन संसाधन उनके महत्व संरक्षण संपादन के बारे में, देखो वन संरक्षण संसाधन, वन संसाधन पढ़ेंगे, महत्व पढ़ेंगे, संरक्षण पढ़ेंगे, संपादन पढ़ेंगे, संपदा बढ़ेंगे। अब देखो संपदा मतलब यहां बोला गया है संरक्षण संसाधन, इनको देखना है, मतलब कि यदि वन कट रहा है, वन के महत्व क्या होते हैं, हमें लकड़ी पौध मतलब मिलते हैं, वहां हमें एनर्जी मिलती है यार, हमें ऑक्सीजन पौधों से मिलती है ना, तो वो चीज हम देखेंगे, हमें लकड़ी मिलती है यहां से, हमें कुछ ठीक है, और जो भी चीजें फर्नीचर बनाने के लिए हमें यहां से काफी अच्छी लकड़ी मिल जाती है जलाने के लिए, सबको महत्व देख देंगे यार, जो भी आपको बना बना के कर सकते हो, संसाधन को देख लो, संरक्षण कैसे करेंगे भैया, वन कट रहे हैं तो उसको कैसे रोक सकते हो, कटाव को कैसे रोकोगे, कुछ तरीका अपनाओगे अपना नहीं अपनाओगे, कटना नहीं चाहिए, किस कारण से नहीं कटना चाहिए, उनको कैसे रोक पाओगे, उस रोकने के तरीके को देखना है, बस यही तो है और कुछ और थोड़ी है यार। अब यहां देखो रेडियोधर्मी प्रदूषण, अब प्रदूषण तो आप जानते हो, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है, ये सब कुछ आप एक बार पढ़ोगे ना तो इनको बना बना के करके आओगे, रटने की जरूरत नहीं होती इनको यार, समझ रहे हो ना। तुम कहते हो बीएससी हवा है, हवा कुछ ना है, मतलब क्या ना बोला हवा है बहुत बड़ा बीएससी, डर लोग डर जाते हैं बीएससी को, यार क्या डरना है यार, बीएससी क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, बस थोड़ा सा संघर्ष करना और अपने आप पर आत्मविश्वास करना सबसे बड़ा राज है, ये राज किसी और को मत बताना, अपने आप पर भरोसा करो, कौन क्या कह रहा है बिल्कुल मत देखो, और हम पे भरोसा करो, हम आपको भेजा कराएंगे। और बताओ यहां देखो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को पढ़ लेना, वायु प्रदूषण को पढ़ लेना, जल स्रोत इनका नियंत्रण कैसे करेंगे, मृदा प्रदूषण को पढ़ लेना, जीव संख्या किसे कहते हैं, समुदाय, जीवों के समुदाय के बारे में, जैव समुदाय किसे कहते हैं, जीवों के जो समूह पाया जाता है उसको समुदाय बोलते हैं, पादप समुदाय और उनके आप देखेंगे एटियोलॉजी के बारे में, ये देखेंगे। उसके बाद में नीचे चले जाइए, क्वेश्चन पे टिक लगाओ बेटा, सबसे बड़ी चीज है टिक लगाना, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है, और अभी तक आपने पेपर हैकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एक नया चैनल हमने खोला है खिलाड़ी भाई एक्स वाई जेड, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो ओजोन हाउस क्या होता है, ठीक है, ये कह रहा है तंबाकू मोज़ेक रोग, ठीक है तंबाकू मोज़ेक रोग, और यहां देखो इनका संक्रमण लक्षण और नियंत्रण कैसे करेंगे, ओजोन हाउस क्या वो हम करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, अम्लीय वर्षा राइन एसिड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा इसमें इफेक्टिव हो जाती है, वो सब देखेंगे। यहां देखो एस वर्ग कह रहे वर्ग जलिका कैसे कहते हैं, मृदा, ठीक है, क्या ये फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी मुझे बोलते हैं, इसको आप पढ़िए उर्वरकता के बारे में। अब देखो इसमें कुछ रोग आ गए बेटा, रोग पढ़ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहे हैं आलू की बिलगित अंगमारी रोग, उपचार लक्षण बर्गजलिका में ऊपर बता चुका हूं। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से कैसे देखोगे, यहां कह रहा है एक आलू होता है, मान लो आलू का ये पेड़ है, ठीक है, यहां से पेड़ ले लो, ये क्या है, ये जड़ है, ये आलू का पेड़ हो गया, यहां से आपने पत्ती देखी होंगी निकलती हुई ऐसे करके, आलू की पत्ती होती है, तो इसमें एक अंग क्या होता है, ये पत्ती जो होती है, एक अंग जो इधर को निकलती होती है वो क्या होती है बेटा, टूट जाती है, यहां से गल जाती है, यहां से बीच से। अब वो पत्ती जब गलेगी तो क्या होगा,
क्या होगा, ये इसी को तो अंगमारी बोलते हैं, मतलब एक अंग क्या हो जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको दोबारा से उपचार नहीं कर सकते। तो वो चीज अंगमारी बीमारी होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, एक अंग कर का सूख सूखना, ये कहलाता है। उपचार कैसे करोगे, तो उपचार के लिए कोई भी आप कीटनाशक का यूज कर सकते हैं, तो यार किसी कीटनाशक के द्वारा ही होगा, तो वो चीज है बैक्टीरिया। अब देखें गन्ने के लाल सड़न रोग का लक्षण उपाय के बारे में। अब देखो गन्ना आपने देखा होगा, गन्ने में इस तरीके से पोई होती है, मतलब कि इस तरीके से कुछ ऐसे करके बनी होती है, मतलब यहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस होगा, यहाँ तक यहाँ गांठ टाइप की होती है, बनी होती है ना गांठ टाइप की, तो यहाँ से आप जो देख रहे ना बीच में फट जाता है। तुमने गन्ना बहुत सारे देखे होंगे, एक पोई जो होती है वो गन्ना बीच में से फट जाता है ऐसे करके, कोई तीन चार पोई फट जाती है, ठीक है। अब उसमें क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, लाल लाल जो हो जाता है उसी को हम कहते हैं लाल सड़न रोग, ठीक है। उसमें लाल सड़न रोग लग जाता है, ठीक है। अब वो गन्ना में जब लाल सड़न रोग लगेगा तो क्या होगा पता है तुम्हें, उसको कैसे सही कर सकते हैं, जैसे ही आपको दिखाई दे कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये तिर रहा है, समझ रहे ना, तो ये बहुत जब एक पौधे में लगेगा दूसरे पौधे में ऐसे फैलता है, तो वो चीज है आपको पहले से पहले इसको उपचार करना चाहिए। तो कोराजन आ गई है भैया, कोराजन से तो कहां से बल जाता है, मतलब जो भी बैक्टीरिया होने की संभावना ही नहीं है, खत्म, मतलब जो भी इसमें जो होगा ना, इसको जो दूषित करेगा, इसको इफेक्टेड पहुंचाएगा किसी भी गन्ने को, तो कोराजन खत्म कर देता है। कोराजन तुम जानते हो सबसे ज्यादा खतरनाक दवाई है, और कोराजन हम लगा लेते हैं ना एक बार, एक साल तक पूरा उसका यूज होता है, मतलब एक बार उसको स्प्रे कर दो, उसके बाद में एक साल तक उसका असर रहेगा, उसके बाद में एक साल की बात खत्म करो, जब आप चीनी खाओगे ना चीनी, तो चीनी के अंदर भी कोराजन होता है, तो मतलब जिस खेत में एक बार यूज कर लिया, इतनी अब तुम भयंकर समझ सकते हो कि गन्ने के अंदर रस के अंदर घुस जाता है कोराजन, तो उसे कौन खत्म कर सकता है, कौन कीड़ा खा सकता है उस गन्ने को, और हम लोग हैं उस चीनी को खाते हैं, समझ रहे ना, चाय बाय तो ये मत खाओ मेरे हिसाब से, शुद्ध रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोराजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी बॉडी जो पहले 80 साल लोग जिया करते थे, अब वो कितने जीते हैं, 40 से 50 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल जिया करते थे लोग यार, और अब क्या होता है, 10 साल का बच्चा नहीं होता, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये दाढ़ी जमी आती है, तुम जान रहे हो, मेरी तो बहुत दिन बाद जमी है, मेरी मत देखो यार, तुम पता नहीं गलत समझ जाते हो, चलो जैसा भी अच्छा हो रहा है, कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, अच्छा हो रहा है, चलो सही, कोई बात नहीं, खाओ पियो दबा के, मत खाओ यार, समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से दूध जब भी पिया करो, कोई प्रोटीन ले आओ, कोई दिक्कत ना है यार, प्रोटीन वगैरह ले आओ, उसको यूज करो, जितने रुपए का 30-35 रुपए का तुम 40 रुपए किलो चीनी लेके आओगे, 40 रुपए का कोई प्रोटीन ले आओ, ठीक है, कोई भी एक्स वाई जेड एनीवे, ठीक है, छोटा मोटा पैकेट, उसको थोड़ा सा डालो, एक चम्मच डालोगे, घोलोगे, पी जाओगे, प्रोटीन के साथ में दुगनी ताकत देगा, दूध तो देगा देगा अपना जितना भी होगा, लेकिन उसमें प्रोटीन डाल देंगे तो और ज़बरदस्त ताकत देगा, तो उससे क्या होगा, चीनी तो ख़त्म करो, समझ रहे ना, चीनी का, या दूध पीते हो तो बिना चीनी का दूध पियो मेरे हिसाब से। अब वैसे आपकी मर्जी है, आपको क्या पसंद है वो आप जानते हैं। जब आप कभी कोराजन को देखेंगे ना, सच बताएं, विदेश वालों ने अपनी चीनी को लेने के लिए इनकार कर दिया, भारत की चीनी को, पूरी गाड़ी वापस आई थी, समझ रहे हैं, तो वो चीज़ है, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने आप पर, तब होगा। मृदा आप देखो प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, उसके प्रकार, उसके विशेषता के बारे में पढ़ लेना। यहाँ देखो चिपकू आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जर्वदर मृत्यु देखे पादप सूचांक क्या होते हैं, आप इसको पढ़ेंगे, टिक लगा लो बेटा सभी लोग, एक बार टिक लगाइए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, और इन सभी के नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए खीरा मोजेक रोग, ठीक है, पादप भूगोल, इसको पढ़ लेना, और इकोटाइप स्टोन जाति, स्टोन जाति बहुत ज्यादा पूछता है, स्टोन के जाति के बारे में पूछ लेना, की स्टोन जाति, की स्टोन जाति बोलते हैं इसको, की स्टोन जाति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यह है नींबू का सिट्रस कैंसर, सिट्रस कैंसर कहते हैं नींबू का खसरा रोग जिसे बोलते हैं, नींबू का खसरा रोग, ये नींबू भी खसरा रोग हो जाता है, बीच में से फट जाता है, कोई नींबू तुमने देखा होगा बीच में से फट जाता है और उस पर फफूंदी टाइप की आ जाती है, देखा होगा तुमने नींबू, कभी देखना यार, चेक करो, ये गर्मी के हालात, क्या करोगे बेटा तुम, देखना कभी भी होगा, जब पेड़ पौधे हो, तुमने देखे होंगे, तुम्हारे पास पेड़ पौधा होगा आसपास कहीं भी हो तो देख लेना, चेक कर लेना, खसरा रोग लग जाता है उसमें, जब बीच से फट जाएगा और उस पर फफूंदी टाइप की आ जाती है, फफूंदी जानते हो, फफूंदी मतलब सफेद सफेद फंगस जम जाता है उस पर, वो चीज है, तो वो होता है नींबू का खसरा रोग। यहाँ देखो इको टाइप्स क्या होते हैं, वर्षा जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ देखिए नीचे जाइए इसको देखो, ये क्या बोल रहा है, बैंगन का लघुपत्र रोग को पढ़ेंगे, बैंगन का लघुपत्र रोग, डी देखो बीडीटी क्या होता है, बीओडी, बीओडी टेस्ट जिसे कहते हैं, बीओडी टेस्ट को हम देखो यहां बोला गया जैव ऑक्सीजन मांग, ठीक है, डिमांड बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, ये आप पढ़ेंगे,
उसके बाद में देखो यहाँ देखो वन संसाधन मैंने आपको बता दिया, वन संपदा मतलब बल का संरक्षण कैसे करेंगे, वन कट रहे हैं तो कैसे रोक सकते हैं, वही चीजें। वन निवास देखो वन का विनाश हो रहा है, वन कटाव दुष्प्रभाव कारक, यदि वन कट जाएंगे तो आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। वन के बारे में सब कुछ पढ़ लो ठीक है। उसके बारे में देखो यहाँ क्या बोला गया है, रेड डाटा बुक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ क्या बोला गया है देखो, कह रहा है संकट ग्रस्त पौधे, मतलब कि रेड डाटा बुक के अंदर ही संकट ग्रस्त पौधों को रखा जाता है ठीक है। अब वो पूछ ले रहा है कौन कौन से हैं जो पौधे संकट ग्रस्त हैं, मतलब जो क्या है उनकी प्रजाति पैदा नहीं हो पा रही है, वो बेचारे नष्ट होते चले जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब वो अपने पौधे को जन्म और पौधे तैयार नहीं हो पा रहे हैं, तब तक पीछे वाले पौधे वो कटते चले जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ एक दिन विलुप्त हो जाएगी बहुत जल्दी, तो ये चीज होता है। तो आप ये सिर्फ ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी जूलॉजी के जो पेपर रह गए फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मैं करा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और हाँ खिलाड़ी भाई XYZ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मेरा नया चैनल है जिसमें ब्लॉगिंग वगैरह जो भी शूटिंग होगी वो हम वहाँ करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू, बाय बाय।